हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नीरज टीपी व्लॉग्स। हाउ यू, कैसे हैं? अच्छे होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। और सबसे पहले जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आज जो ये व्लॉग है दैट इज़ वेरी डिफरेंट व्लॉग, और कुछ चीज़ें ऐसी दिखाऊंगा मैं जो कि मन्नत ने बनाई हैं, पेंट की हैं, मन्नत इज़ माई डॉटर्स ने। तो आई एम वेरी मच श्योर दैट यू विल लव दैट आर्ट, और उस आर्ट का कोई ना कोई मीनिंग है। इट इज़ मेड इन अ फैंक्यू जो कि आई वॉन्ट टू सेल दैट। तो फर्स्ट आई विल शो यू दिस वन। सी दिस, दिस इज मेड बाय मन्नत, और ये बहुत ही अच्छी है। ये भी बेडरूम के लिए पेंटिंग बनाई गई है मन्नत के, मन्नत ने बनाई है बेडरूम के। ये कैनवस के ऊपर बनाई हुई है, ये कैनवस के ऊपर बनाई हुई है, ऑयल पेंट यूज़ किए हुए हैं। इसको आप बेडरूम में लगा सकते हैं। एक छोटा सा बल्ब भी इसके ऊपर लगाएंगे तो इट विल लुक वेरी क्यूट एंड वेरी नाइस। एंड इसकी जो प्राइस है मैं आपको बाद में दूंगा, पहले मैं सारी आपको पेंटिंग्स दिखाता हूँ, ठीक है? एक तो ये पेंटिंग हो गई। एंड लेट्स कम आउट दिस वन, दिस इज माई फेवरेट पेंटिंग। ये है गोल्ड फिश की पेंटिंग है, ये आप देख सकते हैं। ये गोल्ड फिश वन है, गोल्ड फिश टू है। यस बेटा, ये वाली मेरी फेवरेट है। ओके, दिस योर फेवरेट। और ये जो पहले दिखाई थी ये सक्षम की भी फेवरेट है, ठीक है? और ये लिली पैड्स बने हुए हैं यहाँ पे, ये भी फेंगशुई के लिए बनाई गई है, नज़र के लिए बनाई गई है, नज़र नहीं लगती है। इसको आप अपने ड्राइंग रूम में रख सकते हैं। गोल्ड फिश है तो ये वैसे भी शुक्र के लिए बहुत अच्छी होती है। एंड मोर ओवर आप देखेंगे कि ये मछलियाँ जो हैं ये हम इसकी तैर रही हैं उसमें, पानी में, तो दिस अ काइंड ऑफ लाइव आउट ऑल्सो। तो बहुत ही अच्छी पेंटिंग है, दिस इज़ माई फेवरेट वन, एंड वी आर सेलिंग दिस ऑल्सो। लेट अस टॉक अबाउट दिस वन, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी गुड पेंटिंग। तो ये मैं मन्नत से पूछना चाहूँगा, मन्नत ये क्या बनाया हुआ है आपने, वहाँ बैठ के बता सकते हो? दिस इज काइंड ऑफ फ्लोरल आर्ट। This is a floral art, जो कि acrylic paint से बने हुए हैं। Acrylic paint से बने हुए हैं। अच्छा, ये floral art है और ये acrylic paint से बने हुए हैं। तो इसको भी आप अपने bedroom में रख सकते हैं या drawing room में रख सकते हैं positivity के लिए। जो lotus है आपको पता ही है, ये लक्ष्मी जी का फूल है, तो इसे लक्ष्मी जी का फेवरेट प्लांट है। तो इसको आप अपने ड्राॅइंग रूम में रख सकते हैं एंड बेडरूम में भी इसको आप रख सकते हैं। ये देखिए, एंड दिस इज़ द वन, दिस इज़ अ वेरी गुड पेंटिंग। इसको मन्नत क्या बोलते हैं? मंडाला आर्ट फॉर्म। मंडाला आर्ट फॉर्म है, क्या होती है मंडाला आर्ट फॉर्म? रंगोली पेंटिंग कर सकते हैं। ये सर्कल ज्योमेट्रिकल शेप से बनती है। ज्योमेट्रिकल शेप से बनाई जाती है ये, और इसके डिजाइन से हर एक साइन का कोई ना कोई मीनिंग होता है। हर एक साइन का कोई ना कोई मीनिंग होता है इसका। तो अगर किसी को पता लगता है कि इस पेंटिंग का क्या मीनिंग है तो प्लीज़ आप बताइएगा हमें। एंड ये भी ड्राइंग रूम की पेंटिंग है, तो इसको अपने ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं। नाउ वी लेट्स डिस्कस अबाउट द प्राइस ऑफ ईच एंड एवरी पेंटिंग। ये जो फर्स्ट सबसे पहले दिखाई थी, जो मन्नत ने बनाई हुई है और सक्षम की भी फेवरेट है और मेरे को भी बहुत अच्छी लगती है, ये लोटस का है। अगेन दैट दिस इज़ ये लक्ष्मी जी के लिए यूज़ की जाती है, और इसको आप ड्राइंग रूम में या बेडरूम में लगा सकते हैं। छोटा सा लाइट लगाएंगे इसके ऊपर, देन इट विल लुक वेरी स्मार्ट। सो लाइक इसकी कॉस्ट जो हमने रखी है दैट इज़ फॉर 1500 रुपीज़, सिर्फ नॉर्मली है विदाउट पोस्टेज के। पोस्टेज चार्ज भी एक्स्ट्रा जो भी होंगे 1500, आई थिंक सो ये कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर आप कहीं मार्केट से भी इसको लेते हैं देन दिस विल कॉस्ट यू 3500, बिकॉज दैट वी आर जस्ट सेलिंग फ्रॉम द होम। सो दिस इज मन्नत, ऑल द पेमेंट विल बी गो टू मन्नत्स अकाउंट, नॉट इन माई अकाउंट। सो दिस इज फॉर 1500, अ वेरी नॉमिनल प्राइस, ठीक है ना? एंड सेकेंडली ये है मंडाना आर्ट, बहुत ही छोटी सी है। इसको फ्रेम चाहते हैं तो मैं फ्रेम भी करके आपको दे सकता हूँ। इसको आप यू भी लगा सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं। ये मन्नत ने अपने ऑटोग्राफ भी दिए हुए हैं यहाँ पे नीचे। तो द कॉस्ट ऑफ दिस इज 1000 रुपीज़। तो दिस वन एंड दिस वन, ये है फ्लावर प्रिंट्स जैसे कि हमने बात की, ये भी लोटस पे ही है। अगेन दैट जितने भी हमने पेंटिंग्स बनाई हैं वो हमने शुक्र को ध्यान में रखते हुए बनाई हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी पेंटिंग है ये, और आई एम वेरी मच श्योर दैट यू विल लाइक इट।
नो बेटा, तो ये है, ये बहुत अच्छी है, ठीक है। तो द कॉस्ट फॉर दिस वन इज़ ओनली 999 रुपीज़ दिस वन। और सीरियसली मैं बोलूँगा, ये लकड़ी के ऊपर हमने बनाया गया, प्लाई के ऊपर बनाए हुए हैं। तो ये क्या है कि जब हम प्लाई के ऊपर बनाते हैं, जो कैनवस है, कैनवस शायद कम ऑयल पेंट जो है वो लेता है, लेकिन जो लकड़ रहती है उस पर ज़्यादा ऑयल पेंट लगते हैं और ज़्यादा देर तक चलती है। तो अगर आप चाहते हैं इसको फ्रेम करवाना, तो हम फ्रेम करवा के भी आपको भेज सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको आप बैक से सिर्फ एक ब्लैक पेंट ही कर लीजिए, नथिंग यू हैव टू डू इट। तो आप इसको यूं करके आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। इसको आप टेबल के ऊपर भी रख सकते हैं, या अगर आपके पास लॉन है तो आप लॉन में रखिए इसको, और आई एम वेरी मच श्योर दैट यू विल लव दिस, ठीक है। एंड लास्ट नॉट लीस्ट, माय फेवरेट, दिस इज द वन, यस ही हो गया, दिस इज द वन, दिस इज माय फेवरेट। और द कॉस्ट फॉर दिस वन इज 4000 रुपीज़। तो द प्राइस वुड बी नेगोशिएबल, क्योंकि ये इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो है ये पूरा डिज़ाइन फैंगशुई के अकॉर्डिंगली बनाया हुआ है, ये सारा का सारा। और गोल्ड फिशेस हैं, एंड दिस वन आल्सो यू कैन सी, और ये लिली पैड्स, लोटस पैड्स जिसको हम बोलते हैं, ये है, पानी है, चल रही हैं दोनों फिशेस, जो कि शुक्र के लिए अच्छी मानी जाती हैं। तो ये दोनों फिशेज़ हमने मन्नत ने इस पर क्रिएट की हुई हैं, उस पर बहुत सारा टाइम लगा, मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ। इट इज़ नॉट अ वेरी बिग प्राइस विच वी आर गिविंग यू, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में है, क्योंकि इसको बनाने में ही बहुत सारा टाइम लगा है, ठीक है। और कितना टाइम लगा आई विल नॉट डिस्क्लोज इट, बट इसको बनाने में बहुत सारा टाइम लगा है इसको बनाने में, ठीक है। तो द कॉस्ट फॉर दिस वन इज 4000, एंड दिस इज ऑल्सो फाइन आर्ट, दिस इज द वन। ये आप अपने बच्चों के रूम में लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छी एक आर्ट है, तो ये आप ले सकते हैं। तो द प्राइस विल बी अ वेरी नॉमिनल वन, इफ़ यू वॉन्ट यू जस्ट आस्क मी एंड आई विल गिव यू ऑन वेरी वेरी नॉमिनल प्राइस, कैनवस पे बने हुए। थैंक यू वेरी मच गाइस, दुआ में याद रखिएगा। और पेंटिंग कोई भी पसंद आती है प्लीज़ मैसेज में ज़रूर लिखेगा, और कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ये भी ज़रूर लिखेगा, कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे पता लगे कि जो ये वीडियो है कहाँ कहाँ तक गई हुई है। तो पेंटिंग्स हील्स द प्रॉब्लम, बिकॉज दैट बहुत सारी पॉजिटिविटी लेके आती हैं जब आप इनको देखते हो, जब आप मंदिर में जाते हो। तभी बोला गया है कि जब भी आप फ्री होते हैं तो सिर्फ तीन जगह पर ही आपको जाना चाहिए। तीन जगह मन्नत कौन कौन सी हैं बताओ, जोर के बताओ, या मंदिर, लाइब्रेरी, और ऑफिस, और जिम। ये तीन चीजें आप जाइए, किसी चौथी जगह पे जाने की जरूरत ही नहीं है। या मंदिर जाइए, या जिम में जाइए, या लाइब्रेरी में जाइए। जिम में जाएंगे आपकी सेहत बनेगी, ठीक है, और लाइब्रेरी में जाएंगे आप कुछ ना कुछ पढ़ेंगे जो कि बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और इंदन मंदिर में जाइए, या गुरुद्वारा में जाइए, या अगर आप मुस्लिम हैं तो मॉस्क में जाइए, या क्रिश्चियन हैं तो आप चर्च में जाइए, ताकि जो आपका जो मीन्स की जो वाइब्स आपको मिलेंगी दैट विल बी अ वेरी पॉजिटिव। तो उन तीन चीज़ों के अलावा कहीं और जाने की यार ज़रूरत ही नहीं है आप सबको। तो दीज आर द थिंग जो मैंने आई हैव नाउ 1, 2, 3, 4, 5 पेंटिंग्स आई हैव। सो अगर किसी को चाहिए होगी देन आप मैसेज कीजिएगा, अपना एड्रेस लिखेगा, उस पर हम बात कर सकते हैं। तो आई विल शेयर माई व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो, तो आप उस पर व्हाट्सएप मुझे करके, जो भी अगर प्राइस नेगोशिएबल है, जो मैंने आपको बोला प्राइस इज नेगोशिएबल, लेकिन ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा क्योंकि इनको बहुत ही मेहनत से बनाया गया है और इतना टाइम नहीं, इतना टाइम इसमें लगाया हुआ है कि आई डोंट थिंक सो कि जो ये मैंने प्राइस बोला है कि ये ज़्यादा रहेंगे प्राइस। तो ठीक है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआ में जा याद रखिएगा, और फिर मिलते हैं एक अलग व्लॉग में। थैंक यू, बाय, राधे राधे।